वोडाफोन आइडिया के शेयर की लेटेस्ट खबरें और कहां जाकर रुकेगी ये गिरावट वोडाफोन आइडिया में, आइए चलकर विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर लेटेस्ट न्यूज की बात की जाए वोडाफोन आइडिया के लिए, तो स्टॉक मार्केट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है, सबसे पहला आउटलुक है यहां पर। अगर वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, इसके कस्टमर जो लूज हो रहे हैं वो एक अच्छी पोजीशन नहीं बन रही है। अप्रैल में इनके पास 259 मिलियन सब्सक्राइबर रह गए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मिलियन यूजर्स लूज हो चुके हैं इनके यहां पर। जबकि भारतीय एयरटेल और रिलायंस दोनों ने यहां पर सब्सक्राइबर गेन किए हैं और इनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग होती जा रही है। भारतीय एयरटेल का 360 और जियो का अप्रॉक्सीमेटली 405 मिलियन सब्सक्राइबर है यहां पर। तो यहां पर वोडाफोन आइडिया थोड़ा पिछड़ता नजर आ रहा है इस खबर के चलते हुए। तो ये एक पहला नेगेटिव इंपैक्ट है जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है यहां पर। अब देखिए कस्टमर क्यों लूज हो रहे हैं, सिम कंसोलिडेशन चल रहा है। इस सिम कंसोलिडेशन के चलते हुए स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस नीचे को जाएगा और ये यहां से और गिरावट मानी जाएगी। क्या आगे चलकर वोडाफोन आइडिया 5G स्पेक्ट्रम में निवेश करेगा? लिमिटेड निवेश करेगा, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पेमेंट नहीं है। और साथ साथ में ये जो टेलीकॉम गवर्नमेंट ने अपना 5G ऑक्शन शुरू किया है, इसमें कोई बिडिंग वॉर नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी बैंडविड्थ अवेलेबल है और सब लोग इतना तेजी से नहीं डालेंगे, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, प्राइस बहुत ज्यादा बना के रखा है। इसका इंपैक्ट 5G का रोल आउट थोड़ा नेगेटिव रहेगा, थोड़ा धीरे रहेगा। पहले वोडाफोन आइडिया को अपना 4G स्ट्रॉन्ग करना है, 5G पर तो तब जाएंगे, पहले 4G स्ट्रॉन्ग करना है। 4G स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको चाहिए रुपया, और रुपया कहां से मिलेगा? जब तक इनका फंडिंग अप्रूवल नहीं होगा तब तक ये चैलेंज बना रहेगा हमारे हिसाब से। इन्होंने अपग्रेड करना शुरू किया है, देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इन्होंने 900 मेगाहर्ट्ज़ टू 1800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का डिप्लॉयमेंट शुरू किया है, और ये 4200 न्यू TDD साइट्स पर बनाकर अपना एक्सपेंशन बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात मानी जाएगी, जिससे कस्टमर इंप्रूव होंगे। और इनका हर क्षेत्र में एक्सपेंशन ज़रूरी है। जब तक कस्टमर 4G पर नहीं आएंगे तब तक कस्टमर अपना बेसिक पैकेज, 50 रुपये का पैक डलवा लिया, 65 रुपये का पैक डलवा लिया, या फिर 100 रुपये का पैक डलवा लिया, ऐसे करते रहेंगे। जब इनको अगर ARPU बढ़ाना है तो इनको देखना होगा किस तरह से 299 का पैक डलवाएं, और वो तभी होगा जब आप वहां पर उनको 4G की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ताकि डाटा के साथ इनको पैकेज और अदर पैकेट के साथ वैल्यू एड सर्विस मिले और बढ़े। इनकी बातचीत चल रही है अमेजन के साथ और अदर प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ में। इनकी 20,000 करोड़ रुपए की निवेश की बात चल रही है, और यहाँ पर एडवांस स्टेज में डिस्कशन पहुँच चुका है। 10,000 पर इक्विटी रहेगी और 10,000 का डेप्ट रहेगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। इसके लिए इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दिस विल गिव देम मच नीडेड कैश, और अगर अमेजन जैसी कंपनी का नाम जुड़ जाता है तो फिर अमेजन की ऐप के पास भी इनको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अब अगर आज का भाव देखें, 8.20 रुपये, ये वोडाफोन आइडिया करीब 3.5% आज गिरकर बंद हुआ है। वॉल्यूम की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10.4 करोड़ शेयर हैं एक्सचेंज में हैं, जिसमें 27% की डिलीवरी है। यहाँ पर इसने अपना ये रीसेंट लो जो है 8.15 रुपये का, इसको टच करने की कोशिश की थी और वहां से बाउंस बैक दिखाया। अगर इसको होल्ड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ये हो सकता है नीचे की तरफ को और गिरावट शुरू आए। देखिए 16 रुपये तक चला गया था, ऑलमोस्ट आधा भाव हो चुका है इसका, तब से बुलिन बैंड नीचे की तरफ को रुझान है, बैंडविड्थ बढ़ रही है, इसका मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद और नीचे गिर सकता है। सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल बढ़ाना शुरू कर दिया 9.45 रुपये का, और RSI का लेवल 33 के आसपास आ चुका है इसका। MACD ने भी सेल सिग्नल बना के रखा है, तो अभी लग रहा है कुछ कंसोलिडेशन रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद इसमें अच्छा बाउंस बैक आने की उम्मीद है। अगर हमारे साथ ट्रेड करनी है तो 299 का एडवांस पैकेज ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। चैनल का फायदा ध्यान के, एक स्टॉक में 5% ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।